बैठक में मंत्री मोहन यादव, मंत्री कमल पटेल से चर्चा की गई। मंत्री इंदर सिंह परमार और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से भी चर्चा हुई। संगठन के पास आए फीडबैक के आधार पर आज मंत्रियों से बातचीत हुई है। वहीं 17 तारीख के बाद फिर कुछ मंत्रियों से बातचीत की जाएगी। तो बता दें कि आज एक बड़ी बैठक चल रही थी। संगठन के पास आए फीडबैक के आधार पर आज सीएम हाउस में मंत्रियों से बातचीत की जा रही थी। आज की इस बैठक में मंत्रियों से क्या कुछ बातचीत हुई है, अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनील फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये बैठक चल रही थी, कहा जा रहा है कि संगठन से जो फीडबैक आया उसके आधार पर मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की जा रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, अब तो चुनावी वर्ष है और समय बहुत कम रह गया है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह से सर्वे, फीडबैक, कैसे बेहतर काम करना है, ये सब चलता रहेगा पार्टी के भीतर, संगठन की तरफ से भी और शिवराज जी की यानी मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी। तो अलग अलग जो रिपोर्टें आती है उसमें मोहन यादव से बात हुई है, मंत्री कमल पटेल से बात हुई, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि खनिज मंत्री है, इस तरह चार मंत्रियों से बात हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, शिव प्रकाश जी जो संगठन मंत्री है, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, ये सब शामिल हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। अलग अलग जो फीडबैक मिले हैं उनको बहुत अच्छा फीडबैक नहीं माना जा सकता, तो हिदायत भी है इसमें और आगे काम करने की वो भी बताया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन इसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि 17 तारीख के बाद पुनः एक बैठक होगी। और अभी मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस वक्त चार जो बड़े लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं। मंत्री जरूर बाहर निकल गए, जिसमें बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा जी जो कि संगठन मंत्री है, शिव प्रकाश जी है और शिवराज जी, इन चारों के बीच अभी भी चर्चा चल रही है। तो उसके उपरांत और बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से, खबर में चार मंत्रियों को बुलाया गया था, इनके फीडबैक के आधार पर इससे चर्चा की गई। चलिए, शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि चुनावी साल चल रहा है, चुनाव भी काफी नजदीक है, ऐसे में कोई भी कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। लगातार रिपोर्टें निकाली जा रही हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं और मंत्रियों को ये समझाया जा रहा है कि परफॉर्मेंस ही सबसे महत्वपूर्ण होगा और पार्टी को जीत हासिल करनी ही है।